part it was to play die body actually, because you have to imagine how to be die and how to be in the situation. Yeah. Very nice, very nice. Thank you my director, thank you my producer, because really it was very nice experience. The lovely story. I was very happy to work in this movie actually. रियल है जो कुछ घटना घटी है, हम रियल पेपर से और अदालत टोटल वही रियल के ऊपर, टोटल रियल स्टोरी, कोई चेंजिंग नहीं उसमें, और हमने रियल ही बनाया उसमें, कोई उसमें मन घड़त अपनी तरफ से नहीं कहा, जो हकीकत गुजरी है उसी से हमने दो साल के स्टडी, हमारे डायरेक्टर ने दो साल की मेहनत के बाद ये फिल्म शुरू की. अंजुना बीच मूवी हम मम्मी को रोल किया एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज हम लोग एक प्रोग्राम दिया पीपल को कि कभी भी बच्चे को अकेला कोई भी जगह मत छोड़ना, दैट्स इट. ये एकदम 100% सच है कि आज तक उसकी माँ जो है इस चीज़ के इंतज़ार में है कि कब उसकी बेटी को न्याय मिले और कब उसकी बॉडी को ब्रेन करे. देखिए कलाकारों का चुनाव करने के लिए मैं जो है ना कुछ करेक्टर्स के लिए दिल्ली गया ऑडिशन लेने के लिए, और कुछ करेक्टर को मैंने नेट पे ढूंढा कि मतलब कौन कौन आर्टिस्ट हैं, कास्टिंग डायरेक्टर हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनके माध्यम से मैंने जो ना आर्टिस्टों को इकट्ठा किया. ये कंट्रोवर्सियल सब्जेक्ट चुनने का वजह सिर्फ एक है कि आज अगर मैं लव स्टोरी बनाता हूँ, कुछ भी बनाता हूँ, तो उसकी कोई इतनी वो पहुँच नहीं होती है, और कंट्रोवर्सियल सब्जेक्ट करना मेरा जो ना शौक बन चुका है, मेरी एक हैबिट सी बन चुकी है कि मैं मतलब सत्य कथाओं पर फिल्म बनाऊँ या कंट्रोवर्सियल फिल्म बनाऊँ, ऐसी मेरी सोच बन चुकी है. हर गोवा का CM और गोवा सरकार अगर कोर्ट जाती है तो वो जाए, मेरे को कुछ ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं सच्चाई ला रहा हूँ, तो मुझे कोर्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि मैं सेफ्टी के तौर पे अपनी और अपने प्रोड्यूसर सिकंदर खान की जो ना एंटीसेप्टिक बेल जरूर करवा के रखूँगा, क्योंकि पता नहीं कब वो हमें अरेस्ट करने के चक्कर में पड़ जाएंगे. 18 फरवरी 2008 को आई हुई विदेशी महिला के बलात्कार और हत्या पर आधारित है ये फिल्म अंजुना बीच. It's too hot. You bastard! आए जो बोलेगा अपन उसी को ठोक डालेगा. न जाने कहां कहां से आ जाते हैं गोवा को गंदा करने के लिए. ड्रग्स का हैवी डोज लेने से उसकी मौत हुई है. झूठ बोल रहे हैं आप कामले साहब. महाराज गवर्नमेंट से क्यों नहीं पूछते, उन दो विदेशी महिलाओं पर 70 लोग टूट पड़े थे.